हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे बिहार में आई हुई तीन बड़ी भर्ती के बारे में। तो आप लोग को बताना चाहेंगे पदनाम के बारे में। तो पदनाम जो अभी देख पाएंगे, आदेश पाल के लिए आप लोग का ये भर्ती निकल के आई हुई है, जिसमें आप लोग का योग्यता मैट्रिक पास रखा गया है और जिसके लिए आप लोग का आवेदन करने का जो है अंतिम तिथि है वो 18 तक रखा गया है। तो इस वीडियो में आप लोग को जो है फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं शॉर्टकट तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, किस प्रकार आप लोग को आवेदन करना है इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे अभी जो आप लोग को बताया कि तीन बड़ी भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग का जो है देख पाएंगे यहाँ पे हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले की ओर से अभी जो है समस्तीपुर पूसा की ओर से यह जो भर्ती निकल के आ रही है, KBS में आप लोग का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज में चले जाए, इस न्यूज़ की कटिंग को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ और एक वैकेंसी जो कि निकाला हुआ हमारे बिहार की ओर से, जिसमें इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आप लोग का लिया जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये रहा आप लोग का 2 वैकेंसीज की जानकारी जो कि बड़ी थी। अब इम्पॉर्टेंट बात करेंगे जिसमें आप लोग का जो है दिया गया है मैट्रिक पास, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोग को इस वैकेंसीज के बारे में। तो ये रहा वैकेंसीज की पूरी डिटेल जो कि जेन्युइन है, आप लोग को बताना चाहेंगे 5 अलग अलग पदों पर जो है भर्ती है जो कि हमारे बिहार के विद्यालयों में भर्ती लिया जाएगा। तो निम्नलिखित विषय पर शिक्षकों की आवश्यकता, लेकिन इसमें आप लोग का एक पद ऐसा है जो कि आदेशपाल का, जिसमें मैट्रिक पास रखा गया है, एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को डिटेल से बताना चाहेंगे अभी जो है शिक्षकों की ज़रूरत है विद्यालयों में, जो कि अंग्रेजी की, संस्कृत की, हिंदी की और गणित की, सभी में जो है योग्यता स्नातक पास होना चाहिए और BEd आप लोग का होना चाहिए, सभी में एक एक पोस्ट है। तो लास्ट में बचा हुआ है आदेशपाल का, ठीक है, जिसमें मैट्रिक पास मांगा गया है। तो आइए इसकी डिटेल जानते हैं। तो बात करेंगे हमारे बिहार के संत तिरसा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिया पंचमी चंपारण की ओर से यह भर्ती निकाला गया है इस विद्यालय की ओर से। तो इसमें आदेशपाल मैट्रिक पास जो है कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन जमा कर सकते हैं और इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग को बताना चाहेंगे सभी का जो है डेट बाय डेट यहाँ पे आवेदन और जो जमा करने एवं जो है आप लोग का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का डेट रखा गया है। तो आदेशपाल के लिए आप लोग का देख पाएंगे 18/4/2020 को जो है आप लोग का सुबह 8 बजे यहाँ पर रखा गया इंटरव्यू, ठीक है, पूर्वाह्न रखा गया है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि आवेदन जो है विद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा। तो आप लोग को बता दें सचिव की ओर से ऑर्डर है, आदेश है, ये जो ये विद्यालय है बेतिया पश्चिमी चंपारण में, आप लोग जो है यहाँ पे जाके संपर्क कीजिए किस प्रकार से आवेदन लिया जा रहा है, फिर आवेदन आप लोग जमा कर दीजिए और ये जो पद है 5वें नंबर पे, इस पद के लिए आप लोग जो है भर्ती में शामिल होकर सेलेक्टेड हो सकते हैं। और इसकी जो है आप लोग को बता दें साक्षात्कार की जो है तिथि है वो 18/4/2020 तक रखा गया है, 20 को रखा गया है। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विद्यालय में जाइए, विजिट कीजिए विद्यालय में और वहाँ पे जाके अधिक जानकारी आप ले लीजिए। आप लोग को यहाँ पे अलर्ट किए हैं, सूचना दिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करेंगे आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस न्यूज़ की कटिंग को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज में चले जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। और बिहार से रिलेटेड डेली बाय डेली एजुकेशनल न्यूज़ की जानकारी के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और बिहार वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिहार की और एक वीडियो मिलते हैं और एक वैकेंसीज की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।